चलिए तो हम लोग बात करेंगे आज की इस क्लास में सितंबर महीने के जो महत्वपूर्ण दिन है और जिस रूप में वो मनाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बात याद रखिए, हम लोग जनवरी से लेकर अगस्त तक के सभी दिन और जिस रूप में मनाए जाते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। महत्वपूर्ण दिवस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं कि इसमें आपके स्थायी आंकड़े लिए गए हैं। स्थायी आंकड़े कहने का मतलब ये है सीधा सा कि जो कभी नहीं बदलेंगे, जैसे थीम हो गई, ये बदलती रहती है। आप देखते हैं 2019 की अलग थी, 2020 की अलग होगी, 2021 की अलग होगी, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसके लिए हम लोग करंट अफेयर जब भी 2020 का देखेंगे, 2021 का देखेंगे, इस तरह से आपकी अपडेट होती रहेगी। कई बार देखता हूँ कि वनडे एग्जाम और सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है, तो इसलिए आपके स्थायी आंकड़े बता देता हूँ। और अस्थायी आंकड़े हमेशा अपडेट होते रहते हैं, आप भी कभी अपडेट हो रहे हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो छूट जाए, कोई नई, देखते हैं ना आप लोग कि नए नए दिवस छूटते रहते हैं, तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी मुझसे छूट जाए उसे भी आप लोग नीचे लिख सकते हैं। इसमें आपके जो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के, वो इंटरव्यू से, तो उसे हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। आप देखेंगे 1 सितंबर को आपका जीवन बीमा निगम की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को क्या मनाते हैं? जीवन बीमा निगम की स्थापना का स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, 2 सितंबर की बात करूं तो नारियल डे मनाते हैं। 2 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। याद रखिए, आप देखते हैं कि कोई नारियल, कच्चा नारियल आप लोग पानी पीते हैं ना, तो उसके लिए आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, वहां कोई मोल भाव नहीं करेंगे। और जब नारियल खरीदने जाएंगे तो आप लोग मतलब इतना मोल भाव करेंगे, 10 रुपए का नहीं, 5 रुपए का दे दीजिए, 20 का नहीं, 15 का दे दीजिए, वो आप देखिए, मतलब सबसे कोल्ड ड्रिंक कम फायदेमंद, लेकिन नारियल का पानी आपको फायदेमंद भी रहता है, आपको जो भी शरीर को मतलब एक तरह से फायदा पहुंचाता है। तो मेरी राय तो यही है कि कोल्ड ड्रिंक की जगह आप लोग नारियल पानी पिया करिएगा। एक तरह से इसलिए मनाया जाता है कि गरीबी कम करने में इस सब फसल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, इसीलिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। और यह दिन एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन दिवस की याद में स्मरण मनाया जाता है, एपीसीसी की। ठीक है, याद रखिए 3 सितंबर की भी बता देता हूं, मुझे एक याद है, स्काई स्केपर डे मनाया जाता है। स्काई स्केपर डे हर साल कब मनाते हैं? 3 सितंबर को। एक प्रसिद्ध वास्तुकार वास्तुकार विलियम कैन एयर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने क्या किया था, न्यूयॉर्क शहर में प्रतिष्ठित लैंडमार्क में से एक क्रिसलर बिल्डिंग के निर्माण के लिए उन्हें जाना जाता है। और मुझे लगता है कि ये तो आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को आप लोग भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह दिवस शिक्षकों को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान दें कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक बात याद रखिए आप लोग, 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में। अगर आपसे पूछे विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को। ठीक है, इन दोनों डेटों को याद रखिए, कई बार पूछ लिया गया है और कई बार आप लोग भयभीत भी हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और आप जानते हैं डॉक्टर आपके जो राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इन जो भी आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी चर्चित व्यक्ति रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, फिर चाहे आप लोग प्राचीन भारत से ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य, बुद्ध, महावीर, सिकंदर, इन सब की बायोग्राफी सभी की कवर की हुई है। और जो छूट गई हो आप लोग बताइए, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। 5 सितंबर को ही याद रखिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सभी रूपों आयामों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या फिर इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखें। और 7 अगस्त को देखेंगे ब्राजील दिवस, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
आपको बता दूं कि ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर 1822 को ब्राजील को पुर्तगाल से आजादी मिली थी और 1889 में ब्राजील में राजशाही शासन प्रणाली समाप्त हुई थी और देश गणतंत्र बन गया था। तो देखिए, ये पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने शामिल नहीं किया पीडीएफ में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि बाई चांस अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप कम से कम सॉल्व करने की स्थिति में तो पहुंच जाए। फिर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, ये आप देखेंगे 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष व्यक्ति समाज को साक्षरता के महत्व के लिए मनाया जाता है। 1966 में यह दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने स्थापित किया था। और मैं हमेशा से बोलता हूँ आप लोगों से, अगर किसी समाज मतलब किसी परिवार को, फिर चाहे किसी जिले को, फिर चाहे आप लोग किसी राज्य को, फिर चाहे किसी देश को, अगर पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो साक्षरता यानी कि शिक्षा और आप सोचिए स्वास्थ्य देना होगा। आज हमने देखा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो 5 रफेल खरीदे गए फ्रांस से, हम लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई है। मतलब आप सोचिए 5 रफेल खरीद लेने से, ठीक है वो अलग बात है कि सेना के पास, देखिए एक बात तो और देश में क्या छाया हुआ है कि अगर आप सरकार का विरोध करिए तो आपको मतलब सेना का विरोधी बता दिया जाएगा। देखिए कोई भी हो, मुझे नहीं लगता है कि सेना का कोई विरोध करेगा भारत में रह रहा होगा, क्योंकि अगर सेना पर भरोसा ना होता तो वो रात में नींद मतलब नींद भी ना आती उन्हें, कब लटक जाते पता भी नहीं चलता। तो सेना पर तो मुझे लगता है कि वो अगर सेना का हमारी सेना कोई भी सेना का अगर कोई विरोध करता है तो वो तो सजा इतनी मुझे सजा देनी चाहिए कि मतलब आप सोचिए जो आपकी इच्छा हो। लेकिन सरकार का विरोध मैं कभी नहीं मानता हूं कि सेना का विरोध है, क्योंकि सेना हमारी शक्तिशाली है। आज से नहीं, आप देखिए कभी हमारी सेना ने पीछे नहीं हटी, समझ रहे हैं आप लोग, जब से हम आजाद हुए तब से आप देख सकते हैं। तो ये मत सोचा करिएगा कोई अगर सरकार के बारे में बोल रहा है तो सेना के बारे में, कोई भी पार्टी सेना के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है, किसी की औकात ही नहीं है सेना के सामने, समझ रहे हैं। किस गरीब घर से जाता है वहां बैठता है, आप सोचिए कि परिवार, उसके परिवार के बारे में सोचिए, अगर सेना के बारे में आपको उल्टे सीधे सवाल उठते हैं तो उस पर कभी दाग नहीं लग सकता है, ठीक है। नेता अपने अपने फायदे के लिए उनका लाभ उठाते रहते हैं, एक गलत बात होती है। तो आपने देखा होगा फ्रांस से हम लोगों ने खुशियां बनाई जब राफेल मंगवाए गए। अब सोचिए आप लोग कि हमारे देश में अगर शिक्षा की बेहतर प्रणाली होती, तकनीकी होती और हम इससे बेहतर राफेल बना रहे होते विमान, तो आप सोचिए हम तब शक्तिशाली कहलाते। अभी तो आपने देखा कि हमने उससे खरीद लिया, कल पाकिस्तान जाएगा और उसके पास पैसा होगा वो खरीद लेगा, समझ रहे। ये तो वैसा ही हाल है कि आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और आपने वही गन खरीद ली, आपका दुश्मन आया उसने भी वही गन खरीद ली, क्या फर्क पड़ा। तो हमें खुद अगर अपने आप पर मतलब आत्मनिर्भर की बात करते हैं ना, तो हमें अपने आप पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज अमेरिका हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है तो हम लोग खुशियां मना रहे हैं। देखिए अमेरिका उस मतलबी दोस्त की तरह होता है। आज से पहले आप लोग देखिए 1971 का युद्ध देखिए, उससे पहले भी देखिए आप लोग कि अमेरिका ने हमेशा चाइना और पाकिस्तान का साथ दिया है, रूस हमारा साथी हुआ करता था, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। देखिए चाइना को अगर पीछे धकेलना है या चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो अमेरिका को भारत की मदद चाहिए, इसलिए भारत के साथ वो खड़ा हुआ है। कल हो सकता है कि भारत को रोकने के लिए, भारत को षड्यंत्र रचने के लिए भारत में भारत के खिलाफ, तो वो चाइना के साथ भी मिल सकता है। तो अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह, समझ रहे हैं ना। वो मतलबी दोस्त क्या करता है कि आपके दुश्मन से भी हाथ मिलाता है वो, आपसे भी काम बनने पर। तो वही हाल है, तो हमें शिक्षा देना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी की मदद करने से अच्छा है कि योजनाएं, हजारों योजनाएं लाकर पैसा बर्बाद करने से कि हर परिवार को पढ़ाया जाए, शिक्षा फ्री हो और स्वास्थ्य फ्री हो, इतना कम से कम तो हो कि मतलब हर कोई अफोर्ड कर सके, मतलब हर कोई उसका खरीद सके या पढ़ सके, वरना आप देख रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महंगा है हमारे देश में। खैर छोड़िए, अब अपना अपना हो गया, क्या कर सकते हैं। तो याद रखिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और 8 सितंबर को ही बता देता हूं आप लोगों को, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी मनाया जाता है।
ठीक है। फिर आप देखेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड एंड्री आत्महत्या डे, यानी कि जैसे आप लोग विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड सुसाइड डे, ठीक है। तो ये देखेंगे 10 सितंबर को मनाया जाता है। हर रोज 3,000 लोग विश्व भर में आत्महत्या करते हैं। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या यानी कि सुसाइड करता है। आत्महत्या की रोकथाम के लिए 10 सितंबर को विश्व एंट्री एंटी आत्महत्या दिवस मनाया जाता है। एक और बात बताऊं आप लोगों को, आत्महत्या का सिलसिला इसलिए भी ज्यादा बढ़ रहा है कि आप देख रहे हैं एक समय परिवार पूरा जुड़ा रहता था, आज आप देख रहे हैं कि परिवार अलग अलग हो चुका है। हर कोई आप सोचिए कि अवसाद में जूझ रहा है, हर किसी को। मुझे नहीं लगता है कि पांच, वैसे तो आप सोचिए हर कोई तनाव में है, कोई इसे कवर कर लेता है, कोई उसके साथ जीता रहता है, कोई थक जाता है, तो कोई इस रास्ते को अपना लेता है। अभी दक्षिण भारत में आपने किसी बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा, अच्छा खासा बिजनेस, मतलब अच्छा खासा पैसा था, उसने भी सुसाइड कर लिया। कई लोगों के बारे में आप सुनते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस तरह का साथ देते रहिए, जो भी आपका हो, दोस्त हो या जो भी रिश्ता हो आपका किसी से। अगर मुझे लगता है जब उसके दिमाग में 5-10 मिनट के लिए बात आ रही है सुसाइड करने की, अगर आप साथ दे देते हैं तो वो उस तक रास्ते को रोक नहीं चुनेगा, समझ रहे, रोक सकता है। तो किसी का साथ मत छोड़िए और आराम से मदद करते रहिएगा एक दूसरे की, और समझने की कोशिश किया करिएगा एक दूसरे को, समझ रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा, झुक जाएंगे तो थोड़ा बहुत, वरना सोचिए कि यहाँ उखाड़ ले जाएंगे। अगर आपकी वजह से किसी की जान जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बुरा आप, मतलब इससे आप गिर सकते हो और नीचे। भगवान, मुझे लगता है धरती पर तो ठीक है आप लोगों को माफ कर दे कोई, लेकिन भगवान इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि माफ करेगा। तो वही कहते हैं ना कि किसी की खुशियां किसी के मतलब दुख देकर और किसी की नींद छीन कर अगर आपको नींद आ जाती है, आप खुशियां मना लेते हैं, तो आप इंसान कहलाने लायक कभी नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, किसी मतलब किसी का साथ नहीं दे सकते हैं, किसी को खुशियां नहीं दे सकते हैं, किसी के साथ नहीं चल सकते हैं, तो कम से कम उसे मतलब पीछे मत खींचिए, उसे दुख मत दीजिए, ठीक है। भगवान के लिए इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। फिर आप देखेंगे 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। याद रखिए, एक 13 सितंबर को आप लोग ओणम, ये आप देखेंगे कि केरल, पूरे केरल में लोग इस त्योहार को मनाते हैं, ठीक है, 13 सितंबर को फसल कटाई के त्योहार है, और ये राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक भी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 14 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ध्यान दें कि भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। याद रखिए, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हिंदी, ठीक है। आप लोग सोचें राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप देखें चीनी भाषा, आप जापानी भाषा, आप रशियन भाषा, इस तरह हमारी भाषा को हमारी पहचान नहीं माना जा रहा है। अभी आपने देखा है दक्षिण भारत विरोध करने लगते हैं जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की जाती है, तो इसे भी याद रखिए आप लोग। ठीक है, 14 सितंबर, फिर आप देखेंगे 15 सितंबर की पूछी तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को क्या मनाते हैं, लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 15 सितंबर को।
भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इस दिन विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सोचते हैं कि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी। असल में हमें आजादी उस दिन किस तरह से मिली थी, हमें अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन जो समाज में एक तरह से आप सोचिए अंकुश लगा हुआ था, एक नीचा ऊंचापन का, गरीबी और ऊंचाई का, अनपढ़ पढ़े लिखा का, महिलाओं में पुरुषों में अंतर, ये आजादी हमें उस समय नहीं मिली थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1947 से हमें आजादी मिलना शुरू हो गया था। एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बढ़ना शुरू होता है ना, तो उसी तरह वहां से चालू हुआ था। लेकिन आज भी हम लोग आजादी के दौर में चल ही रहे हैं कि हमें आजादी मिलती ही जा रही है। आज आप देखिए, आज आपको ठीक है, कई सरकारें आती हैं आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देती हैं। 1975-77 का समय देख सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं? तो इस तरह की मतलब मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग पूरी तरह से आजाद नहीं हुए, क्योंकि आप अभी भी डरने से बोलने से डरते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर आपको गलत लग रहा है तो आप बोलिए, समझ रहे हैं, मतलब विरोध करिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, मुझे अब लगता है क्योंकि अभी आपने स्टूडेंटों का आंदोलन देखा हर जगह, आपने देखा है मोदी साहब को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, समझ रहे हैं, उन्होंने एक मतलब एक तरह से आपका भी ये कि आपने देखा है प्रधानमंत्री मन की बात करते थे, उस पर इतने अनलाइक डिसलाइक बरसाए कि मतलब उससे कई गुने मिलियन में पहुंचा दिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अब देश अंधभक्ति से चल रहा है। हाँ ठीक है, अब 2024 तक देखिए चुनाव नहीं होना है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अभी दिल्ली में आपने देखा है काम के नाम पर वोट पड़ा है, तो उसमें देखिए सबकी, सभी पार्टियों की, कोई भी पार्टी हो, सबकी औकात याद दिला दी जनता ने। तो ये मुझे लगता है जनता पढ़ लिख जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो वो सबको हटा देगी, जो काम करेगा वही उसी वोट देगी। तब आप देखना देश हमारा शक्तिशाली भी बनेगा, हम लोग बहुत आगे जाएंगे, समझ रहे, चाइना जैसे देशों को हम लोग बहुत पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आप सोचें अंधभक्ति से और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट पड़ने से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम देश में ही उलझे रहेंगे, समझ रहे हैं। जापान के राष्ट्र प्रमुख का एक दिन मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे देश, देखिए परमाणु बम गिराया गया था 1945 में अमेरिका के द्वारा, फिर भी वो विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है। और आप जानते हैं भोपाल में 1984 के करीब आपकी ये गैस त्रासदी हुई थी एमपी में, उसका अभी तक हम लोग झेल रहे हैं भोपाल वाले, और वहां सोचिए कि वो निकल के कहाँ पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ एकता, मेरे यहाँ धर्मों में नहीं बटे हुए हैं, और राष्ट्र प्रेम में बहुत आगे ले जा रहा है, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ देखते हैं आप लोग की अधिकतर वोट बैंक किस पे होती है, जाति धर्म पर, और जाति धर्म पर आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन देश को विकास नहीं कर सकते हैं देश का, समझ रहे हैं। आज आप देखिए वो नेपाल जो हमारे पैरों में हुआ करता था, आज वो भी हमें आंखें दिखा रहा है, तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं आप लोग। एक कई बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार, आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। एक बात और याद रखिए, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन लोगों को ओजोन परत में हो रहे क्षय और इसे संरक्षित करने के लिए समाधान खोजने के बारे में याद दिलाता है, ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, ओजोन के प्रति मतलब ओजोन जो परत है उसे सुरक्षित रखना, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे सूर्य से जो हानिकारक किरणें होती हैं उन्हें रोक लेता है ओजोन परत, और आप सोचिए अगर वो खत्म हो गया तो डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा और कई तरह की कैंसर आपको और बीमारियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसलिए आपका मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 16 सितंबर को ही आप देखें मलेशिया दिवस मनाया जाता है, कब, 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाते हैं, या फिर इसे हरी मलेशिया के रूप में भी जानते हैं आप लोग।
16 सितंबर 1963 को सिंगापुर पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश और सबा तथा सारावाक के पूर्व मलेशियाई राज्य को मलाया संघ में मिलाकर मलेशिया महासंघ का निर्माण हुआ था, एक तरह से आजाद हुआ था। ठीक है, फिर आप देखेंगे 19 सितंबर की बता देता हूं, इंटरनेशनल टॉक लाइन एफ पायरेट डे मनाया जाता है आपका, इंटरनेशनल टॉक लाइक लाइक ए पायरेट डे, इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे 19 सितंबर को सालाना मनाया जाता है। 1995 में यह पहली बार मनाया गया था। यह दिन लोगों को पुरानी समुद्री डकैती की तरह बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस तरह से। ठीक है, 1995 में मनाया गया था। आप देखेंगे 20 सितंबर को आपका रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस मनाते हैं, 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को आप देखेंगे विश्व शांति दिवस मनाते हैं, या फिर अहिंसा दिवस भी कह देते हैं इसे। ठीक है, 21 सितंबर को विश्व के सभी देशों के बीच शांति भाव सदा बने बने रहे व मानव तो जीवन शांति व सुखमय हो, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, और पहली बार ये सितंबर 1982 में मनाया गया था। कब? 1982 में, याद रखना, पहली बार भी पूछ लेता है। और आप देखेंगे 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाते हैं आप लोग, डेमेंशिया के कारण रोगी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में एक तरह से जागरूक बढ़ाने के लिए आपको 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। 2012 में विश्व अल्जाइमर महीना शुरू किया गया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे 22 सितंबर गुलाब दिवस, या फिर आप लोग कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस भी मनाते हैं इसी दिन। कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए 21 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि यह दिन कैंसर के रोगियों के मन में ये आशा जगाने के लिए कि कैंसर ठीक हो सकता है। यह दिन कनाडा की एक 12 वर्षीय मरीज मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने दुर्लभ रक्त कैंसर की बीमारी से लड़ी और आशा नहीं छोड़ी थी। ठीक है, और आप समझिए कि एक समय आप सुनते थे कि कैंसर हो जाता तो कह देते थे कि अब बच पाना मुश्किल है, लेकिन आज हर बीमारी का इलाज है लगभग। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विश्व सफाई दिवस कब मनाते हैं, विश्व सफाई दिवस ये आप देखेंगे 24 सितंबर को, 24 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाते हैं, 26 सितंबर को। ठीक है, विश्व बधिर दिवस, डे ऑफ डेड। ठीक, परमाणु हथियारों उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं, ये 26 सितंबर को, 26 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 दिसंबर को, सितंबर को परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए मनाया जाता है। ध्यान दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु परीक्षण के खिलाफ प्रतिवर्ष 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, परमाणुओं के खिलाफ एक तरह से 29 अगस्त को और 26 सितंबर को परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को आपके कुछ और दिवस मनाए जाते हैं, उन्हें भी बता देता हूँ। यूरोपीय भाषा का दिवस, यूरोपीय भाषा का दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे 26 सितंबर को ही विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी मनाते हैं, 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी मनाते हैं, और 26 सितंबर को ही आपका विश्व समुद्री दिवस भी मनाते हैं, 26 सितंबर को ही विश्व समुद्री दिवस भी मनाते हैं। फिर आप देखेंगे विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। आप समझते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है पर्यटन। ठीक है, एक समय ऐसा आने वाला है कि हम लोग अंतरिक्ष की पर्यटन यात्रा किया करेंगे, समझ रहे हैं? जैसे आज आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप एक देश से दूसरे देश या अपने एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं ना घूमने के लिए, तो इसी एक समय होगा कि आप लोग कहेंगे कि चलिए अंतरिक्ष की यात्रा करके आते हैं, ऐसी प्रोसेस चल रही है। हर साल 27 सितंबर को पर्यटन के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर 1970 को विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना के लक्ष्य में
विश्व पर्यटन दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। आप देखेंगे विश्व रेबीज दिवस को मनाते हैं, ये आपका 28 सितंबर को। हर साल 28 सितंबर को मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव को जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। और प्रभावशाली रेबीज वैक्सीन के पीड़िता लुई पाश्चर की मृत्यु की सालगिरह ग्रह पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, ठीक है, विश्व रेबीज दिवस। फिर आप देखेंगे 29 सितंबर यानी कि विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं। विश्व हृदय दिवस आप लोग कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस तिथि वर्ष आप 29 सितंबर को मनाते हैं। यह दिन इसलिए मनाते हैं कि हृदय रोग और स्ट्रोक के बारे में सूचित करता है, जो दुनिया में अधिकांश लोगों की मौत का प्रमुख कारण भी बनता है। तो इसके लिए एक तरह से आप लोग विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। 30 सितंबर को क्या मनाते हैं? बैंकों को वार्षिक लेखाबंदी के रूप में। और याद रखिए 30 सितंबर को ही अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी मनाते हैं। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस आयोजित की घोषणा की गई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर यूनेस्को ने बाइबल के पहली बार अनुवादक सेंट जोरेम के उपलक्ष्य में हर साल 30 सितंबर को यह दिवस आयोजित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस। आप भी तो कहते रहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है, इस तरह से समझ। देखिए 1 सितंबर से 7 सितंबर का जो सप्ताह होता है पहला, इसे पोषण सप्ताह के रूप में आप लोग मनाते हैं, ठीक है। सितंबर का पहला जो सप्ताह होता है उसे आप लोग पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। सितंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है उसे आप लोग विश्व मैरीटाइम दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व मैरीटाइम दिवस के रूप में। सितंबर माह का अंतिम रविवार बहरे के दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर माह का अंतिम रविवार आपके बहरे के दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिए सितंबर का चौथा रविवार आपका विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण दिवस सितंबर महीने के, और अगर कुछ छूट गए हो तो आप भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे से लिख दें जिससे आप कोई भी आता है पढ़ सके। और आपको भी थोड़ा लिखने से क्या होगा, नॉलेज यानी कि जानकारी बढ़ेगी, और आपकी जानकारी से दूसरा अगर लाभ उठा रहा है तो मुझे लगता है इससे खुशी वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो अक्टूबर सितंबर के बाद अक्टूबर वाले माह में मिलते हैं आप लोग, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, जब तक आपके पास कोई डाटा हो तो आप भी बता दिया करिएगा, ठीक है।